यूपी के मिर्जापुर जनपद अंतर्गत शहर कोतवाली क्षेत्र के कजरहवा पोखरा तालाब में संदिग्ध परिस्थितियों में अधेड़ का शव उतराया हुआ मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना मिलते ही भीड़ जमा हो गई। 52 वर्षीय घूरे सोनकर बीते 1 मार्च को घर जाते समय लापता हो गए थे। परिजनों द्वारा घूरे सोनकर के लापता होने की सूचना पुलिस को दे दिया गया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पंचनामा की कार्रवाई करने के उपरांत शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ ही जांच पड़ताल में जुटी है। मिर्जापुर से गुफरान अहमद की रिपोर्ट। 5 मार्च 2023 को सूचना प्राप्त होती है कि कोतवाली शहर अंतर्गत कजरावा पोखरा में एक व्यक्ति की लाश मिली। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंचती है तथा मृतक की पहचान की जाती है, जो कि घूरेलाल सोनकर पुत्र फूलचंद निवासी परमापुर टेढ़वा का है, रहने वाला था, जिसकी उम्र लगभग 52 वर्ष थी तथा इसकी गुमशुदगी 3 मार्च 2023 को लिखी गई थी। व्यक्ति का शव मोर्चरी हाउस में रखवाकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है।